The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hi, Namaskar, दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर परमजीत. आज हम बात करेंगे अनवांटेड या एक्सेसिव अनवांटेड हेयर्स इन विमेन. लड़कियों के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर उनके दाढ़ी या मूंछ आने लग जाए, अगर उनके शरीर में गलत जगह पे बहुत ज़्यादा बाल आ जाएं. ज़्यादातर केसेस में आपके लड़कियों के जो हैं आपके अपर लिप पे, चिन पे, चेस्ट पे, एब्डोमेन में, बैक पे बहुत ना के बराबर या बाल नहीं होते हैं. ठीक है, होते भी तो बहुत ही माइन्यूट से फाइबर जैसे बाल होते हैं जो दिखते नहीं हैं. अब ऐसे में क्या होता है, मतलब पॉइंट इज कि वहाँ बाल के हेयर फॉलिकल्स तो हैं लेकिन वहाँ ग्रोथ नहीं होती है, बिकॉज वो जो हेयर फॉलिकल्स हैं ये एंड्रोजेनिक यानी मेल हार्मोन जो होते हैं उसके रिसेप्टर से स्टिमुलेट होते हैं और फीमेल के अंदर, एक फीमेल लड़की के अंदर वो वाले मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन कम होता है. टेस्टोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन से जो DHT बनता है वो कम होता है, बहुत ही ना के बराबर या कम होता है फीमेल के अंदर. अब अगर किसी के अंदर ये मेल पैटर्न जैसा हेयर ग्रोथ हो रहा है तो उसका यही मतलब होता है कि उस फीमेल के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है. इट्स अ सिंपल फैक्ट और कोई रीज़न नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस है. अब हार्मोन्स का ही खेल है, एवरीथिंग इज देयर. नॉर्मली एंड्रोजन्स आपके अंदर फीमेल के अंदर कम होते हैं, मेल हार्मोन एंड्रोजन्स यानी टेस्टोस्टेरोन, DHT ऐसे वाले हार्मोन्स, और अगर आप ज़्यादा बनाते हो तो हेयर आएंगे. लेकिन सिर्फ यही यानी कि एक जेनेटिक फैक्टर हो सकता है कि जेनेटिकली आपके अंदर मेल हार्मोन ज़्यादा बनते हैं. ठीक है, जेनेटिक फैक्टर. अगर जेनेटिक फैक्टर नहीं है तो बीमारियों के वजह से, दवा के वजह से, कुछ कंडीशंस के वजह से आपके हार्मोन लेवल बढ़ सकते हैं. कौन सी बीमारी सबसे कॉमन है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ अनवांटेड हेयर, एक्ने, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, साइकिल इरेगुलर, वेट गेन, डायबिटीज, ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी. उसके ऊपर डेडिकेटेड हमारे एक अलग से वीडियो सीरीज है, आप उसको सर्च कर सकते हैं, PCOD PCOS बाय डॉक्टर एजुकेशन ऑन YouTube. अगर आपके सिम्टम्स सडनली शुरू होते हैं, पहले कभी नहीं था, 20-25 साल, 30 साल की उम्र तक एकदम से, 40 साल की उम्र, 35 साल की उम्र में गड़गड़ 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 बाल शुरू हो गए, क्या हो गया भाई. सो इफ दैट इज देयर, सो इट इज पॉसिबल कि आपके कुछ ऐसा कारण हो गया है, या तो कोई ट्यूमर है आपके एड्रीनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड होता है जो हार्मोन्स बनाता है, वहाँ ट्यूमर है कि ग्रोथ ऑफ वहाँ पे हार्मोन्स ज़्यादा बनने शुरू हो गए हैं, या फिर ओवरी में ट्यूमर है, ओवरी के भी कुछ ट्यूमर होते हैं जो एंड्रोजन्स बना सकते हैं, और या फिर कुशिंग्स डिजीज़ है जो कि अपने आप में हाई लेवल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का मतलब होता है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये वही दवा है जो स्टीरोइड यानी कि कोरोना में ट्रीटमेंट में दिया गया था, कुशिंग्स डिजीज़, यानी बहुत लंबे समय तक अगर ज़्यादा लेवल ऑफ स्टीरोइड आपके शरीर प्रोड्यूस करता है या बाहर से लेते हो, कुशिंग्स डिजीज़ हो सकता है. और कई बार कंजेनाइटली बचपन से भी आपके एड्रिनल ग्लैंड्स जो कि ये हार्मोन बनाते हैं वो ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, वेरी वेरी पॉसिबल. और एक और कंडीशन है जिसको कहते हैं हाइपरथिकोसिस, यानी कि जिसमें ओवरीज में कोई ट्यूमर नहीं है लेकिन अपनी नॉर्मल ओवरीज ही ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल हो सकता है. एंड अगर ये भी नहीं है तो क्या हो सकता है, समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल कि आप कोई दवा ले रहे हो, उन दवाओं का इफेक्ट हो रहा है कि आपके बाल ज़्यादा आ रहे हैं, अल्टीमेटली दवाओं के वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है. यहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस सिर्फ मेल और फीमेल हार्मोन की बात हो रही है, और यहाँ पे कौन से हार्मोन, ऑब्वियसली अगर आप खुद ही टेस्टोस्टेरोन ले रहे हो या जो बॉडी बिल्डिंग वाले होते हैं डानाजोल, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, DHEA, या फिर अगर आप कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ या कोई ऐसी इन्फ्लामेटरी डिजीज़ को ठीक करने वाले ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, यानी कि ये वाले स्टेरॉइड्स जो कोरोना को ठीक करने वाले स्टेरॉइड लंबे समय पे ले रहे हो, वो भी यही काम करेंगे, आपको हेयर, सो आपके बाल अनवांटेड हेयर ला सकते हैं. यहाँ तक कि
कैंसर का एक दवा होती है साइक्लोस्पोरिन, और दिमागी दौरे की दवा होती है फिनेटोइन, उन दवाओं से भी हार्मोनल इम्बैलेंस पॉसिबल है। मिनोक्सिडिल अगर आप ले रहे हैं तो मिनोक्सिडिल का भी ओवरग्रोथ हो सकता है, मिनोक्सिडिल अगेन इंक्रीजेज हेयर ग्रोथ। फीमेल बॉडी बिल्डर जो हैं अगर हार्मोन्स लेते हैं तो ऑब्वियसली उनके भी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होंगे। रेयर केसेस में जिनके विमेन जिनके मेल हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, अगर उनको बहुत सारे मेल कैरेक्टर्स दिख रहे हैं तो उसे हम हर्सुटिज्म कहते हैं, हर्सुटिज्म। और कभी कभी रेयर केसेस ऐसे भी होते हैं कि हर्सुटिज्म पकड़ में नहीं आता, ऐसे सब क्लिनिकल लेवल पे होता है, सब क्लिनिकल लेवल पे होता है। मगर ज़्यादातर केसेस में अगर आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है और बाल में गड़बड़ी आ रही है तो आपके चिन, आपके अपर लिप, आपके चेस्ट, अपर अबडोमेन, बैक और बट्स, इनर थाइज, वहाँ पे आपको बाल आने लगेंगे, अ लॉट ऑफ वेरी कॉमन एरियाज। और ऐसे में आप क्या कर सकते हो, ऑब्वियसली बाल निकालना उसकी एक ऑप्शन है, बट अल्टीमेटली हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है क्या, है तो क्यों है, कहाँ से आया, राइट। सो द आइडिया इज नॉट कि सिर्फ बाल निकाल दो, बाल निकालना है या बाल ब्लीच करना है, वट एवर, उसके तो 50 तरीके हैं, आप जो मर्जी करो, चाहे शेव करो, चाहे वैक्स करो, चाहे ये करो, उसके सब हर चीज़ के अपने बेनिफिट, अपने साइड इफेक्ट्स हैं, दैट इज़ देयर, उसका अलग वीडियोस बनाए जाएंगे आगे चल के। बट द पॉइंट इज़ आप टेस्ट करवाओ, आप हॉर्मोन्स करवाओ, टेस्ट किए जा सकते हैं ताकि ये पता करें कि आपके हॉर्मोन्स एक्चुअली इम्बैलेंस में हैं, कितने इम्बैलेंस में हैं और उसका सोर्स क्या है। हम आपका टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन लेवल्स, DHEA सल्फेट टेस्ट करा सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन लेवल्स करा सकते हैं, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन ब्लड टेस्ट, और एड्रीनल ग्लैंड कहीं ओवर एक्टिव तो नहीं है, वहां पर ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट किया जा सकता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट किया जा सकता है। और कोई ऐसा एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई ओवरीज बहुत बड़े साइज की तो नहीं हो रही है, वहां पे क्या एबनॉर्मलिटी है देखने के लिए अल्ट्रासाउंड नीचे का, या सीटी स्कैन या MRI भी किया जा सकता है नीचे का, या ब्रेन का, बिकॉज अल्टीमेटली हॉर्मोन्स के सिग्नल्स ब्रेन से आते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो प्रॉब्लम डायग्नोस करने की कोशिश की जा सकती है, खासकर अगर आपको मल्टीपल मेल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इन दैट केस ये डायग्नोस करने की कोशिश की जा सकती है, और हॉर्मोनल मेडिकेशन दिए जा सकते हैं, एंटी एंड्रोजन्स दिए जा सकते हैं। एंड्रोजन्स से होता क्या है, आपके मेल हॉर्मोन्स जो एक्स्ट्रा है उसको दबा के रखा जा सकता है, और बर्थ कंट्रोल पिल्स भी होती हैं जो आपके फीमेल हॉर्मोन्स को बैलेंस करे। सो मैनी ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल। और सिर्फ अगर बात आती है सिर्फ बाल की प्रॉब्लम है तो बालों को निकाला जा सकता है, वो शेविंग केमिकल्स, आपके प्लकिंग, वैक्स, सारे ऑप्शंस हैं, कुछ ऑप्शंस ज़्यादा सेफ है, कुछ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो एक अलग वीडियो हो गया, बालों कैसे निकालना है। द पॉइंट इज इलेक्ट्रोलिसिस वाला भी एक ट्रीटमेंट है, लेज़र एनर्जी लेज़र ट्रीटमेंट है, जिससे कि हेयर फॉलिकल्स को लिटरली डैमेज कर दिया जाता है, और उससे हो सकता है आपके बाल जो हैं आगे चल के कम आए या ना आए। परमानेंट हेयर रिमूवल प्रोसेसेस भी हैं, मतलब ये परमानेंट हेयर रिमूवल तो नहीं है, परमानेंट हेयर रिडक्शन है, बिकॉज नो नथिंग कैन गारंटी कि बाल वापस नहीं आएंगे, वी कैन ट्राई टू रिड्यूस द हेयर। सो अगर ऐसा हो रहा है और तो आप एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट उनसे बात करें, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपके हॉर्मोन्स के डॉक्टर होते हैं और गायनेकोलॉजिस्ट फीमेल आपको पता ही है डॉक्टर्स होते हैं, सो दैट इज़ वेयर यू नीड टू गो। प्लीज़ आप इस चीज़ के लिए जितने हो सके अपने उल्टे सीधे नुस्खे दुनिया भर के ना अपनाएं और सही जानकारी लोगों तक फैलाएं। अगर आपको लगता है आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।